फाइनली यहाँ पर आप फिफ्थ बैच के मेरे ख्याल से स्टूडेंट जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, जिनका भी रिज़ल्ट हो चुका है, और कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर, कितने जो स्टूडेंट हैं, क्या टाइमिंग रही है उनकी। आओ इंटरव्यू तो दे दे भाई लोगों को, आजा यहीं खड़े हो जाओ। हेलो भाई, वेलकम। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो आपका कौन सा बैच था आज? जी चौथा बैच था मेरा। चौथा बैच था जी। गुड यार, कहाँ से आए हो आप? ये हम झांसी से आए, झांसी के पास में मेडिकल। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी रही रनिंग आपकी? काफ़ी ठीक रही, मतलब कोऑपरेटिव स्टाफ है और ग्राउंड भी बहुत बेहतरीन है। हाँ, और घर पे जो प्रैक्टिस में हमारी लगभग लगभग 4 के समथिंग आती थी, और इधर मुझे जैसा लग रहा है कि 3:30 या 3:40 के आसपास हमारी रनिंग हो गई है। यहाँ पे 3:40 तक आ गई समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं सबसे लास्ट में लगा था और समथिंग 20 या 25 बच्चों को मैंने क्रॉस किया है। उस हिसाब से अकॉर्डिंग लग रहा है कि 30:40 के आसपास समथिंग कम्प्लीट हो गई। चलिए बढ़िया, मतलब जो आपकी प्रिपरेशन 3:52 में आ रही थी जी, वो 10 से 12 सेकंड कम हो चुका है। जी जी जी, यहाँ पे तो क्या है कि थोड़ा सा माइंड सेट का भी काम है, कि जैसे दिमाग से रनिंग होती, घर पे थोड़ी उतनी ताकत नहीं लगा पाते यहाँ पे। बाकी बाहर से जोश दिया जा रहा है आप लोगों को? जी जी, बाहर से भी जो लोग भाग रहे चिल्ला रहे, तो उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है कि थोड़ा सा और मन से फास्ट हो जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका हो गया सिलेक्शन। तो आपका एडमिट कार्ड पे क्या लिख कर दिया गया है? ये उत्तीर्ण लिख दिया गया है, बाकी टाइमिंग तो नहीं बताई है उन्होंने, बोल रहे हैं साइड पे आएंगे, टाइमिंग साइड पे आ जाएगी। एक दिन बाद आ रहा मेरे ख्याल से, अभी समथिंग ऐसा ही कुछ बोल रहा है कि एक दिन बाद आ जाएगा। अच्छा अच्छा, और जो वेट लिफ्टिंग वाला है उसमें किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप लोग की क्या रह रही है? वेट लिफ्टिंग में क्या करना पड़ेगा? ऐसा है कि कुछ उसमें खास है नहीं, टाइमिंग की तो कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें बोरी नीचे गिरनी चाहिए। आराम से आप बोरी कैरी कीजिए, पकड़िए, बिल्कुल स्लो स्लो जाइए, ताकि टाइम भी मतलब ऐसा रहे कि मैनेज हो और थकान भी ना हो, एकदम तेज भी नहीं दौड़े। कुछ लोगों को मैंने देखा बोरी उठा के वो भागना शुरू कर दे रहे हैं। ये गलती हो रही है कि बाई चांस आपका पैर पोच जाए या बोरी गिर जाए या स्टेमिना भी कम हो जा रहा है, तेज दौड़ रहे तो थकान हो जा रही, तो ये भी चीजें थोड़ी सी का है, दिक्कत हो जाती है। रनिंग हल्के हल्के करा रहे हैं, 5-7 मिनट का समय दे रहा, तो उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो रनिंग मतलब स्लो ही करनी चाहिए, बोरी स्लो करनी चाहिए। आराम आराम से चलने से मेरे ख्याल से 1 मिनट में आप पहुंच ही जाओगे। जी जी, 1 मिनट 5-10 सेकंड मैक्सिमम टाइम लग रहा होगा बच्चों का, इससे ज्यादा नहीं लग रहा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू भाई। और फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आए, ये हम चाहेंगे कि आ जाए। ठीक है, और आपका नंबर कितना है वो बता दीजिए। सर मेरा 74 है। अच्छा अच्छा, कट ऑफ से कितना ज्यादा है? कट ऑफ से लगभग लगभग 14 नंबर ज्यादा है। बढ़िया है, फिर तो हो जाएगा आराम से। चलिए भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो और बाकी भाई लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग, सभी लोग आप देख सकते हो यहाँ पर क्वालिफाई सब। ये भाई जी भी हैं, काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे थे शायद, आपको मैंने देखा वहाँ पे। तो डाउट था लेकिन अच्छा अच्छा, तो कितना आया आपका टाइमिंग? कुछ आया टाइमिंग तो नहीं पता, लेकिन हो गया बस। कहाँ से आए हैं आप? यहीं प्रयागराज के। प्रयागराज से? कहाँ पे प्रयागराज में? कटरा से। बढ़िया है। तो प्रैक्टिस में कितना टाइमिंग आ रहा था आपका? प्रैक्टिस में तो 4 के आसपास ऐसे ही आता था, 4 मिनट आ जाता था। इंजरी हो गई थी तो 4:30 जाने लगा था, लेकिन अच्छा अच्छा, इंजरी भी हो गया था बीच में। हाँ, कितने दिन तैयारी किया आपने? तैयारी पहले से तो हॉकी खेलते थे, अच्छा प्रैक्टिस अच्छा था, फिर 2 साल हॉकी छोड़ दिया। अच्छा, फिर अभी 10-15 दिन से दौड़े हैं। 10-15 रिजल्ट आने के बाद आपने तैयारी शुरू की? 10-15 दिन दौड़े। तो चलिए अच्छा है। आपका नंबर कितना है? 73 ओबीसी, तो आपका भी लगभग 12-13 नंबर ज़्यादा है। हाँ, 13-14 नंबर। चलिए बढ़िया है, सब लोग का अच्छे सिलेक्शन हो जाए। जो भी रनिंग कर रहे हैं भाई लोग, सब अच्छे प्रिपरेशन के साथ कर रहे हैं, तो बाकी सभी आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी आप जो आने वाले लड़के हैं उनके लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे? बस डिमोटिवेट नहीं होना है, बाकी हाँ, सब तो हो ही जाएगा, है ना? सभी अच्छा। एंट्री आपकी कितने बजे थी? कुछ एंट्री का प्रॉब्लम आ रहा था टाइमिंग को लेकर के। हाँ, 6 बजे बुलाया थे, लेकिन 7:45 तक तो 7:45 हो गई एंट्री। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है भाई, थैंक यू। तो और बाकी लोग, और आपका भी था तो धन वेलकम भाई। आपका नाम क्या है? आकाश है। कहाँ से हैं? ग्वालियर, मध्य प्रदेश से आए आप? काफी दूर से आए आप, आकर कहाँ पे रुके हैं यहाँ पर? यहाँ पे पास में जो स्टेशन के बगल में आश्रम रुकने के लिए जो बताया गया है। अच्छा, उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, देखा था क्या आपने? मैंने आपको देखा है, आपकी
एग्जाम वॉरियर बिगिंस में मैंने बताया था कि आप लोग आए तो यहाँ पे रुक सकते, काफ़ी अच्छी सुविधा है वहाँ पे। तो आने वाले स्टूडेंट को भी आप बता दीजिए कि वहाँ पर सुविधाएं में कोई कमी नहीं है मेरे ख्याल से। क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ पर? अच्छी सुविधा, अटैच लेटर, बाथरूम है, कंबल है, एलसीडी लगी है, मेरे को तो सब सारी सुविधा मिली, एसी ही लगी थी उसमें लेकिन चला। ठंडी में एसी चलाएंगे आप? बंद थी, चलाना नहीं है, लेकिन अच्छा रूम था, अच्छा पानी वानी। बस अपना ओढ़ने बिछाने का लेकर क्या हो? नहीं, ओढ़ने बिछाने भी है वहाँ पे, बहुत बढ़िया बिस्तर। अच्छा, ओढ़ने बिछाने का भी मिल रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया बिस्तर है। हाँ अच्छा, तो उस समय मैंने नहीं देखा था शायद, तो अब ओढ़ने बिछाने का भी मिल रहा है। सही टाइमिंग की तो मेरी 4:30 आती थी। हाँ, आज मैं उत्तीर्ण हूँ। आप उत्तीर्ण हो चुके हैं? 4:12 में आया हूँ, क्योंकि एक मेरा दोस्त। अच्छा अच्छा, मतलब आप प्रिपरेशन में 4:30 आती थी। हाँ, ये तो बहुत इंस्पिरेशन है लोगों का। घुटने में सूजन अभी भी है मेरे। हाँ हाँ, लेकिन ये है कि मेरी 4:12 में आ रही है। गुड यार, तो एडमिट कार्ड पे उत्तीर्ण लिख दिया आपका, दिखाइए जरा। तो देखिए भाई, ये बहुत अच्छे इंस्पिरेशन की बात है एक, कि 4:30 में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पूछ रहे थे 4:22 आ रहा है, 4:30 आ रहा है। अब इनका भाई का देख लो, प्रिपरेशन करते वक्त इनका 4:30 आ रहा था, और आप प्रूफ के साथ देखिए इनके एडमिट कार्ड पे उत्तीर्ण लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आपने किया तैयारी। आज क्या खा कर आए थे आप इतना? मैंने कुछ नहीं, बस घुटने में सूजन है तो पेन किलर ली थी मैंने, बोब्रोन बस, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, और आज जोश एकदम था आपके अंदर कि आज निकालना है। हाँ, मैंने तो 4 राउंड पता ही नहीं चले कब लग गए, मैंने सोचा 3 है, फिर मैं और आगे गया तो रोक लिया कि हो गया कंप्लीट। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया यार, इसी तरीके से बाकी स्टेप वो कुछ नहीं खींचा नहीं है, कुछ नहीं, वो तो स्टेप में चलती रहे, थोड़ा थोड़ा स्टेप में, मतलब साथ में लोग चल रहे थे, आप भी साथ में चल रहे थे उस भीड़ में। जी मान लो भीड़ बकरी सारे चल रहे थे, एक सी चाल करते जाओ तेज। बस ये है कि रुकना नहीं है, बस मैंने कुछ लोगों को देखा, क्योंकि है ना एक लड़की का कट्टा गिर गया था, तीसरे नंबर का बेस था हमारा, उसमें कौन कट्टा, ये जो अच्छा वो गिर गया था उसका, तो कट्टे में जल्दबाजी ना करें, कट्टा तो आराम से खेल है। हाँ। मैं तो 50 किलो का प्रैक्टिस की थी, 50 किलो का उठा के। अरे गुड भाई, बढ़िया बढ़िया, क्लैपिंग कर दो यार, क्लैपिंग। तो बढ़िया यार, बहुत आप इंस्पिरेशन हो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो ये सोच रहे थे कि 4:20 आ रहा है, 4:30 आ रहा है, कैसे निकलेगा। 4:30 मारे था। अरे भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आप भी क्वालिफाई हो चुके हैं। 4:50 से पहले कभी नहीं लगी। हाँ आज लग गई। ओह माय गॉड, ये सभी लोग आप देख सकते हो, सभी लोग इंस्पिरेशन है आज के टाइम पर। देखिए आप 4:50 आपका आ रहा था और आज आप क्वालिफाई कर गए हो, सही है। चार बामन डेली आ रहा था। तो देखिए भाई, जो भी स्टूडेंट आगे आने वाले हैं, जो कुछ लोग कुछ लोग ऐसे भी मेरे से मिले हैं जो ये कह रहे थे कि 4:10 आ रहा है, 4:12 आ रहा है, वो भी डर रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, रुकना नहीं है, दौड़ बनाते रहो। लोग डर रहे थे, हम डर नहीं थे, लास्ट में क्वालिफाई ही हो गई। हमने अच्छा अच्छा, 4:50 आ रहा है, हम तो दौड़ गए झेल के। हाँ दौड़ते रहो बस, दौड़ गए आगे। वजन सर 82 किलो है, 82 किलो, 82 किलो वजन। एक मैंने वीडियो बनाई थी, 85 किलो का लड़का था, उसने भी क्वालिफाई किया था, और आज आप दूसरे बंदे हैं जो 82 किलो। हाँ तो आप, सबसे बड़ी बात ये कि 4:50 में आता था आपका, और आज 4:12 तक मार दिया। दौड़ता था साथ में हमारे। हाँ अच्छा, 4:50 में आता है, यहाँ 4:10 में आया है। तो यहाँ कुछ जादू हो रहा है क्या? ग्राउंड बहुत बढ़िया है, ग्राउंड खराब था, उसमें गड्ढे थे बड़े बड़े, वहाँ ग्राउंड में गेट और कोई था नहीं, यहाँ पर इतनी शोर हो रहा है, जोश लगा रहा है यहाँ पर, फुल पैसे भी आवाज लगा रहे हैं, बहुत मजा आया दौड़ने में, पता ही नहीं चला। फुल पैसे आवाज लगा रहे हैं वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। भगाते हैं उनको, नहीं भगाना चाहिए, कम से कम जोश बढ़ाते हैं बच्चों का, उन्हें थोड़ा लास्ट में खींचो भैया, जो रुक भी जाता है उसके लिए चिल्लाते हैं ताकि वो भी थोड़ा थोड़ा दौड़े। बस आप दौड़ते रहे कंटिन्यू, दौड़ निकल ही जाएगी 4:15 की, रुकना नहीं है, रुक गए, रुक गए तो फिर डिस्क्वालीफाई, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत वाली कहानी है। अच्छा, अगर मन से हार गए तो हार गए, और नहीं तो फिर आप किले फतेह ही करेंगे, फिर तो दरिया पार हो जाएगी। हाँ। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इन सभी स्टूडेंट से बात किया, काफी ज्यादा इंस्पिरेशन आपको मिलेगा उन सभी लोगों से जिनका टाइमिंग 4:15 से अधिक आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे मिले और बोले कि 4:20 में आता है, 4:30 में आता है, कुछ लोग 4:10 में आ रहा है फिर भी डर रहे हैं। लेकिन आप इस वीडियो में देखा, यहाँ पर लाइव एग्जांपल है, 3:42 में मारा, एक्सीलेंट मारा, सबसे पहले आ रहा है। 3:42 में कौन सा बेस्ट है भैया? मेरा फोर्थ बेस्ट था। 3:42 में आप सबसे पहले नंबर पे आए, सबसे पहले। और मेरा घर पर टाइमिंग था 3:30 का,
इकतीस का, 3-30 31, यहाँ पे 3-42 आ गया, यहाँ पे ज़्यादा आ गया आप नहीं, कमी आएगा हुआ क्योंकि वहाँ से टाइम लगाया ना रोड से, तो थोड़ा हो गया हुआ दिक्कत। हाँ ये रोड से आया है, मैंने लाया था ना 3-42 के समथिंग। अरे खैर कोई नहीं, 3-42 आया चाहे 3-30 आया, क्वालीफाई होना चाहिए बस। तुरंत लिख के दे रहे हैं ना? हाँ उत्तीर्ण लिख के दे रहे हैं, बस इतना है उसमें। तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन आज मुझे खुद भी मिल रही है कि जो लोगों का टाइमिंग 4:30 मिनट आ रहा था, 4:30 से ज़्यादा आ रहा था, वो भी यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं। इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पर आने के बाद आपका मोटिवेशन हाई हो जाता है। डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है और एक सोच रखनी है कि नहीं मुझे ये जो 4 मिनट का जो समय है ना, वही हमारी ज़िंदगी बदलने वाला है। इस सोच के साथ आप दौड़ोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे। बहुत बड़ा गेम नहीं है, माइंड पावर आपकी स्ट्रांग है तो आप ज़रूर यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो चलिए, आपको इंस्पिरेशन मिला इस वीडियो में तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आप सभी दोस्तों बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए जो भी लोग हैं। अरे यार ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो यार। एग्जाम वॉरियर देखें।